सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा नवी वीडियो दे विच। अज अपना हजूर साहब यात्रा का दूसरा दिन है। अज की वीडियो दे विच आपां सारे इतिहासिक गुरु घर कवर करांगे जिहड़े कि सचखंड श्री हजूर साहब जी दे नाल जुड़े हुए हैं इतिहासिक पक्षों। सो दोस्तों, ये लॉबी कोई किसी फाइव स्टार होटल की लॉबी नहीं है। ये गुरद्वारा लंगर साहब के बिल्कुल सामने बाबा बुड्ढा जी NRI निवास स्थान है, जिथे रहन दा खर्चा सिर्फ 400 रुपया आता है एक दिन का, जिस दे विच तुसी एक कमरे दे विच 6 से 7 लोग आराम नाल रह सकते हो। यह गुरद्वारा साहब दे निवास स्थान की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग वर्गियां होर भी इत्थे काफ़ी 5-6 बिल्डिंग्स बनाईयां गईयां ने जिथे आके यात्री रहिंदे हन। सो दोस्तों, जदों भी आपां किसी भी गुरु घर दे विच जांदे हाँ तां उत्थे दीआं वा मर्यादावां नूं सानूं फॉलो करना पैंदा है। जिहड़े गुरु घर दी मर्यादा नूं फॉलो नहीं करदे हन, कुछ नीच हरकतां करदे हन, तां उहनां दीआं फोटोआं फिर इत्थे चिपका दिंदे ने। इस दे विच कई लोगों ने कुड़ियां नाल छेड़खानी कीती है, कई लोग सरावां दे विच नशे करदे हुए फड़े गए सन, कुछ लोग चोरी करदे हुए फड़े गए सन, उहनां सारिआं दी फोटो इत्थे लगी हुई है। सो दोस्तों, ये गुरद्वारा लंगर साहिब जी का मेन लंगर हॉल है, जिथे सारी संगत एक पंगत दे विच बैठ के लंगर छकदी है। इस सामने जिहड़ी तुसीं जगह देख रहे हो, इत्थे संत बाबा निधान सिंह जी, जो उस समय दे हजूर साहब दे जथेदार होया करदे सन, वह इत्थे बैठ के अपना धार्मिक प्रचार करिया करदे सन। इस जगह नूं अंगीठा साहिब कहा जाता है। सो इतिहासिक गुरु घरां दे दर्शन शुरू करन तो पहला आपां सब तो गुरद्वारा लंगर साहिब दे दरबार साहिब दे विच जा के नतमस्तक हुंदे हां। जिवें ही लंगर साहिब तो आपां बाहर निकलदे हां तां सानूं प्राइवेट टैक्सियां मिल जांदियां हन, जिहड़ियां कि पर बंदे दा सिर्फ 100 या 150 रुपया लैंदियां हन, जो आले दुआले लोकल गुरु घर ने उन्हां सारे गुरु घरां दे सानूं दर्शन करवा के ले आउंदियां हन। ये रोड गुरुद्वारा लंगर साहिब तो हजूर साहिब जी दे दरबार साहिब दा तकरीबन 1 किलोमीटर दा फासला है, जिसनूं आम तौर ते संगतां पैदल ही तय करदियां हन। शाम नूं ये मार्केट दे विच काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दिंदा है। ये महाराष्ट्र के नंदेड़ शहर के गुरद्वारा साहब स्थित हैं, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आखिरी समय के 14 से 15 साल बिताए सन। उन्होंने इत्थे काफ़ी धर्म प्रचार भी किया, लोगों नूं जागरूक भी किया, वध तो वध सिख धर्म के नाल जोड़िया। नंदेड़ इलाके दे विच ज़्यादातर इलाका जिहड़ा है वह मुस्लिम इलाका है, सिख पॉपूलेशन तो हिंदू पॉपूलेशन इत्थे काफ़ी ज़्यादा घट है। सो इतिहासिक गुरु घरां दी यात्रा अपनी शुरू हो चुकी है। जदों यात्रा शुरू कीती सी उदों मौसम काफ़ी गर्म सीगा। ये सिंह साहब सानू मिल गए सी गुरद्वारा साहब दे बाहर ही, जो सानू इन्हां सारे इतिहासिक गुरु घरां दे विच अपनी गड्डी दे विच लै के जाणगे। सो सब तो पहला आपां दर्शनां दे लई पहुँचे। गुरद्वारा हजूर साहब दे बिल्कुल नज़दीक ही है, तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर दे उपर। इस गुरु घर दा नाम गुरद्वारा संगत साहब है। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पंजाब तो नंदेड़ आए सन, तो सब तो पहला उन्होंने इत्थे आके ही अपना डेरा लगाया सी। इत्थे ही वो हरेक रोज़ शाम नूं संगतां नूं दर्शन दिया करते सन, ते उन्हां नूं सिक्खी दे प्रचार दे उपदेश भी इत्थों ही दिया करते सन। इस ही अस्थान दे उपर जिहड़ियां सिख फौजी गुरु साहब दे नाल आए सन, उन्हां समयां दे विच उन्हां ने आके तनखाहां दी मंग कीती सी। सो गुरु साहब ने इत्थे ही उन्हां नूं ढालां दे विच पा के तनखाहां दित्तियां सन। इस इतिहासिक गुरु घर दे विच भी काफ़ी पुरातन हथियार हजे भी मौजूद हैं। वो ढाला भी इत्थे मौजूद हैं, जिन्हां दे विच गुरु साहब ने माया इकट्ठी करके तनखाहां मंगण वाले फौजियां नूं दित्तियां सन।
गुरद्वारा संगत साहब के दर्शन करन तो बाद असी चल पे गुरद्वारा माल टिकड़ी साहब। इस गुरद्वारा साहब का भी बहुत वड्डा इतिहासिक महत्व है। जदों श्री गुरु नानक देव जी यात्रावां ते आए सन तां उन्होंने इत्थे एक खजाना दबिया सी। उस ही खजाने नूं कढ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संगत साहब दे विच तनखाहां मंगण वाले फौजियां नूं वरताया सी। गुरद्वारा माल टिकड़ी गुरद्वारा साहब दे बिल्कुल नाल ही संत बाबा वीर सिंह जी दी भी एक समाध बनी हुई है। इस समाध दा भी अपना एक इतिहासिक महत्व है। संत बाबा वीर सिंह जी 20 साल की उम्र के विच नंदेड़ आ गए सन ते इस गुरु घर के दर्शनों के लिए आईया हुई संगतां नूं दातण अते पानी का इंतजाम करके इस जंगल के विचों दया करते सन। सो हुण आपां दर्शन करन जा रहे हाँ गुरद्वारा साहब माल टेकड़ी साहिब दे। टेकड़ी का अर्थ हुंदा है उच्चा स्थान। इस अस्थान तो ही गुरु साहब ने खजाना जो गुरु नानक देव जी द्वारा दबिया गया सी उस नूं कढ के गुरद्वारा संगत साहब दे विच वरताया गया सी। सो आओ करते हाँ आपां दर्शन गुरद्वारा माल टेकड़ी साहिब जी दे। ये इतिहासिक अस्थान श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की चरण छोह धरती है। इत्थे समय समय के अनुसार दोनों गुरु साहिबाना ने अपने कदम पाए सन। गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब दे दर्शन करन तो बाद गोदावरी नदी नूं पार करते हुए आपां पहुंचे हाँ गुरुद्वारा हीरा घाट विखे। इस अस्थान का भी अपना एक इतिहासिक महत्व है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं उस समय दे राजा बहादुर शाह ने एक हीरा भेंट किया सी ते गुरु साहब जी ने उस हीरे नूं गोदावरी नदी नूं भेंट कर दिता। जदों गुरु साहब ने वह हीरा गोदावरी नदी के विच सुट दिता तो बहादुर शाह ते उन्हां दी पत्नी हंकार दे विच आ के बोले सन कि असी इन्ना महंगा हीरा गुरु साहब नूं भेंट किया है पर उन्होंने इस दी कोई भी कदर नहीं की। तो उन्होंने गुरु साहब नूं यही कह के ताना मारिया कि तुहानूं हीरे की कोई पहचान नहीं सी कि असी तुहाडे लई इन्ना महंगा गिफ्ट लैके आए सन पर तुसी उस दी कोई कदर नहीं की। तो उस तो बाद गुरु साहब ने उन्होंने कहा कि तुसी जेकर थोड़े लिए ये इन्ना ही कीमती है तो तुसी एक बार गोदावरी नदी दे विच हाथ मारो। तो उन्होंने जो गोदावरी नदी दे विच हाथ मारिया तो उन्होंने हाथ दे विच उस तरह के काफ़ी हीरे आ गए सन। सो गुरु साहब ने उन्होंने कहा कि जेकर थोड़ा हीरा इन्हां दे विचों ही एक है तो तुसी लेके जा सकते हो। तो उस समय फिर बहादुर शाह ते उन्हां दी पत्नी दे मन दे विच जो भी शंका सी गुरु साहब जी दे बारे वो खत्म हो गई सी ते इस तरीके दे नाल उन्हां दा जड़ा माया ते मोह दा हंकार सी उस नूं गुरु साहब ने चकना चूर कीता सी इस ही अस्थान ते। इस करके इस अस्थान नूं हीरा घाट कहा जांदा है। इस गुरु घर दी बैक साइड दे उपर ही गोदावरी नदी बहुत ही शांति दे नाल बहिंदी है जिसनों देखने दे विच एक अलग ही मनमोहक दृश्य पैदा होता है। इस अस्थान ते दर्शना तो बाद असी चल पे गुरद्वारा साहिब देवा जी दे दर्शना दे लई जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की धर्म पत्नी माता साहिब कौर जी की याद दे विच बनाया गया है। माता साहिब कौर जी ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 96 ਕਰੋੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
तो जेकर तुसी इत्थे निवास स्थान दे विच रहना चाहुंदे हो तां तुहाडे लई इत्थे निवास दा भी प्रबंध कीता जा सकदा है। जिवें ही असी हजूर साहिब तो गुरु घरां दे दर्शनां दे लई चले सां तां मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म सी, पर जिवें जिवें ही असी अगे वधदे गए तां मौसम ठंडा हुंदा गया। तकरीबन सारे गुरु घरां दे दर्शन असी बारिश दे विच ही कीते। इह गुरद्वारा निहंग सिंह जथेबंदियां दे अंडर है, इस करके इस गुरु घर दे विच लगे हुए निशान साहिब दा रंग भी नीला है। इस गुरु घर दे विच भी कुछ पुरातन हथियार मौजूद हन जिहड़े कि गुरु गोबिंद सिंह जी दी सेनावां दे वल्लों वरते गए सन अलग अलग जंगां दे विच। इस गुरु घर दे विच दर्शन करन तो बाद असी चल पए गुरद्वारा शिकारघाट साहिब दे दर्शनां दे लई। गुरद्वारा शिकारघाट दा भी एक इतिहासिक महत्व है। उस समय दे राजा बहादुर शाह दे नाल एक बार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शिकार ते गए सन। उन्हां ने उत्थे जा के एक खरगोश दा शिकार कीता सी। जिवें ही खरगोश दा शिकार कीता तां बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहा कि तुसी अपने आप दे विच एडे वड्डे जंगजू हो, पर तुसी शिकार एक मासूम जानवर दा कीता है। तां गुरु साहिब ने फरमाउंदे होए कहा सी कि मैं उस नूं उस दे कीते हुए पाप दे लई आजादी दित्ती है, क्योंकि उस खरगोश दे रूप दे विच ओह मुला खत्री सी। मुला खत्री श्री गुरु नानक देव जी दा सेवक होया करता सी। मुला खत्री श्री गुरु नानक देव जी दे नाल कुछ यात्रावां ते भी गया सी। यात्रा तो वापस आ के जदों मुला खत्री अपने घर चला गया सी तां गुरु नानक देव जी कुछ समय बाद उस नूं दोबारा लैण गए सन। तां उहनां दे घरदिआं ने साफ मना कर दिता सी गुरु साहब दे नाल जाण तों। गुरु साहब ने 3-4 बार उस नूं आवाज़ भी लगाई, पर उस दे घरदिआं ने मना कर दिता। तो कुछ समय बाद ही मुला खत्री की सप्प डसन दे नाल मौत हो गई सी। उस तो बाद उस दे घर दे गुरु साहब कोल भुल बख्शाउण दे लई भी गए सी, पर गुरु साहब कहिंदे कि हुण बहुत देर हो चुकी है। उस तो बाद लगभग 10 जूना दे विच नरक कट्टण तो बाद मुला खत्री आखर खरगोश की जून दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं दिखाई दिता सी। सो उस नूं जूना तो पार करन दे लई ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने उस दा शिकार कीता सी। ते बहादुर शाह अते उत्थे मौजूद होर संगत नूं मुला खत्री दे दर्शन भी होए सन सचखंड जाते समय। सो इस ही अस्थान दे उपर मुला खत्री नूं सचखंड भेजिया सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने। सो गुरु घरां दे दर्शनां तो बाद बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी सी ते सामने नज़र आ गई सी सानू चाह ते पकौड़ियां दी दुकान। सो असी भी उत्थों चाह दे नाल नाल गर्म गर्म पकौड़े भी खाधे। सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ते 5 गुरु घरां दे आपां दर्शन कर चुके हाँ। सो अगली वीडियो दे विच आपां तुहानू होर गुरु घरां दे दर्शन करवावांगे जो इस वीडियो दे विच आपां नहीं करवा पाए। वीडियो चंगी लगी तो कमेंट करके जरूर दस्यो ते वीडियो नू शेयर करना बिल्कुल भी ना भुलना। तो इस ही वीडियो का अगला पार्ट आपां कल नू अपलोड करांगे जो बाकी दे गुरु घर ने आपां उस दे विच कवर करांगे। धन्यवाद, सत श्री अकाल जी। तो वीडियो नू शेयर जरूर कर दिओ ते पेज नू भी फॉलो जरूर कर लिओ जी।